नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम जेविंस डॉक्टर राजीव कुमार, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस। टुडे आई विल डिस्कस आरआरबी। व्हाट इज द आरआरबी? आरआरबी क्या है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सो आरआरबी मींस द रीजनल रूरल बैंक। द रीजनल रूरल बैंक आर लोकेटेड लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। आरआरबी क्रिएट विथ द व्यू ऑफ सर्विस इन द रूरल एरियाज ऑफ द इंडिया विद द बेसिक बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस। द रिजर्व रूरल बैंक द रीजनल रूरल बैंक एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ लिमिटेड टू द एरिया इन द नोटिफाई बाई द गवर्नमेंट। द रीजनल रूरल बैंक अंडर कम इन द नरसिम्हा कमेटी फाउंडेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। The regional rural bank were established on the recommendation of Narasimha Committee on Rural Credit। जो regional rural bank होते हैं वो rural areas के अंदर होते हैं। rural areas के अंदर जो RRB है ये है recommended होते हैं Narasimha Committee से। The committee was the view of the RRBs would much the better suitable than the commercial bank for the cooperative banks in the meeting the need of the rural areas। Considering the recommendations of the Committee of the Government of India passed Regional Rural Bank Act in 1976। RRB जो एक्ट बना था वो बना था 1976 के अंदर। Now the objective of Regional Rural Bank। There are the many objective of Regional Rural Bank, but जो special और जो main objective है RRB के वो है, first objective है bridging the credit गैप इन द रूरल एरियाज। जो भी रूरल एरियाज है उनके अंदर जो क्रेडिट गैप है उनके अंदर जो आरआरबी है वो एक ब्रिज का काम करता है, उनको एक जोड़ने का काम करता है कि क्रेडिट गैप रूरल एरियाज के अंदर कितना है उसको एस्टिमेट करता है, उसको मेजर करता है इन रूरल एरियाज के अंदर। टू डेवलप सच मेजर्स विच कुड रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ द रूरल डिपोजिट्स टू द अर्बन एरियाज, to reduce the regional imbalance and increase the rural employment generation activities। जो आर आर बी है वो जो भी रूरल एरियाज है उनके अंदर जो इम्बैलेंस है और जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उसको ये डिक्रीज करके एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसको ये इंक्रीज करता है। जैसे कि आर आर बी है उसके अंदर रोजगार नहीं है तो उसको ये रोजगार देता है और उनको जो भी है उनके जैसे इम्बैलेंस की एक्टिविटी है उसको भी ये रिड्यूस करता है। नाउ द रोल ऑफ आर आर बी, जो रीजनल रूरल बैंक है इसका क्या रोल हो सकता है? फर्स्ट जो रोल है आरआरबी का है वह है आरआरबी प्रोवाइडिंग द बैंकिंग फैसिलिटी टू द रूरल एंड द सेमी अर्बन एरियाज। आरआरबी जो है वो जो भी रूरल एरियाज है और सेमी अर्बन एरियाज है जैसे कि टाउन्स वगैरह है उनके अंदर ये जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। आरआरबी इज वर मेनली एस्टेब्लिश्ड टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर एंड द आर्टिसियन ऑफ द रूरल इंडिया विद द फोकस ऑन द एग्रो सेक्टर। आर आर बी जो है मैन जो एस्टेब्लिश हुआ है जो जो भी स्मॉल फार्मर है जो मार्जिनल फार्मर है उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी वो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकता है उसके लिए आर आर बी जो है जो रूरल एरियाज है और जो सेमी अर्बन एरियाज है उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर है उनको अच्छे से लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी फुलफिल हो सके। द सेकेंड रोल ऑफ आर आर बी इज द गवर्नमेंट ऑपरेशन। आर आर बी जो है जो गवर्नमेंट ऑपरेशन है उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑपरेशंस के अंदर जैसे कि डिस्पर्समेंट की जो केसेस होते हैं जो लोन डिस्पर्समेंट होता है उसको ये गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन है उनके द्वारा वो डिस्पर्समेंट को कम करता है। वेज ऑफ द मनरेगा, जैसे मनरेगा वर्कर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनल एक्सेट्रा, ये सब उसको जो आर आर बी है वो फुलफिल करता है गवर्नमेंट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग द पारा बैंकिंग फैसिलिटी लाइक द लॉकर फैसिलिटी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। जो आरआरबी है वो रूरल एरियाज के अंदर एक तो जैसे पारा बैंकिंग फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराता है, जैसे लॉकर बैंक के अंदर अगर आप पैसा जमा करा रहे हो या पैसा निकाल रहे हो उसके लिए ये लॉकर जो है फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड करवाता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी आरआरबी जो भी स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर है उनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी ये प्रोवाइड करवाता है।
ऑलराउंड डेवलपमेंट मेन फंक्शन जो है आरआरबी का वो है जो ये वर्क करता है ऑलराउंडर जो है डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करता है। जो भी रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो भी रूरल एरियाज है उनको डेवलप्ड कंट्री के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करता है। और जो रूरल बैंकिंग है बैंकिंग जो भी रूरल एरियाज के अंदर जो बैंकिंग है उनको ये सपोर्ट करता है। आरआरबी जो है वो सेटअप हुआ था ओवर द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग द क्रेडिट नीड एंड द मोस्ट अंडर द प्रिविलेज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो है अराउंड जो ये जो आरआरबी है वो मेन जो वर्क है इसका या मेन जो रोल है वो है ऑलराउंडर डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। फ्लो ऑफ द क्रेडिट इट इज द मेन एक्टिविटीज ऑफ द या रोल ऑफ द आरआरबी द क्रेडिट फ्लो। क्रेडिट फ्लो मीन्स द देयर वेयर द इन्वेस्टिगेटेड ए लो कॉस्ट फाइनेंशियल इंटरमिटेशन स्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज टू इंश्योर द सफिशियंट फ्लो ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। यानी कि जो आरआरबी है वो जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है या रूरल सेक्टर है उनको जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो भी प्रोवाइड करवाता है और जो फ्लो उनके अंदर क्रेडिट फैसिलिटी उनको वो देता है। लोकल इफेक्ट जो आरआरबी जो है इसका जो मेन रोल है वो है जो भी रूरल एरियाज के अंदर जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है या फिर जो मैनेजरियल एक्सपीरियंस वगैरह कमर्शियल बैंक है उनके लिए ये कैसा इफेक्ट डालता है। लोकल इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी वो कोऑपरेटिव बैंक्स डेवलप करता है वहाँ पे कमर्शियल बैंक डेवलप करता है जिससे जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर है उनकी जो क्रेडिट फैसिलिटी है या फिर वो लोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ग्रोथ आरआरबी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ के अंदर भी। ग्रोथ जो प्रोसेस है वो कंट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है जैसे रूरल एरियाज को अगर वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाएगा तो उससे जो है उनकी ग्रोथ के अंदर उसको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।